कवि की कहता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। देखिए बेटा कि वह समाज में रहता है, समाज से भी उसकी बहुत सारी आवश्यकताएं पूरी होती हैं। और समाज से क्या है, मनुष्य का जो है नाता है वो खट्टा मीठा है। कभी वह समाज के लोगों से उसे प्रसन्नता मिलती है, कभी वह दुखी हो जाता है। तो उसके जीवन में क्या है, मनुष्य के जीवन में मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज से जो है मनुष्य का खट्टा मीठा रिश्ता रहता है। खट्टा यहाँ दुखों से संबंधित है, मीठा यहाँ सुखों से संबंधित है। और सुख दुख भी देखिए बेटा हर एक व्यक्ति के जीवन में आते जाते रहते हैं। लेकिन दुनिया क्या है, अपने व्यंग्य बाणों से मनुष्य को अनेक कष्टों के रूप में जीवन का भार प्रदान करती है। और चाहकर भी जो है मनुष्य इस जीवन के भार से अलग नहीं हो सकता। देखिए सुख दुख तो जीवन में सबके आते हैं, लेकिन जब समाज के लोग कटाक्ष करते हैं, कमेंट करते हैं, उन दुखों को और भी बढ़ा देते हैं, तो क्या है, जीवन एक भार लगने लगता है और इस भार से व्यक्ति अलग नहीं हो सकता। और यह जो जीवन का भार है उसे पूरे जीवन ढोना पड़ता है। लेकिन दूसरी तरफ कहता है कवि कि मैं जीवन जीवन इस जग को देकर नहीं जीता, क्योंकि वह इसे हृदयहीन और स्वार्थी मानता है। वह कहता है कि मैं अपना जीवन जग को देकर, जग को समर्पित करके, संसार को समर्पित करके नहीं जीता हूं। मैं अपना जीवन संसार को समर्पित करके नहीं जीता हूं, क्योंकि संसार के लोग क्या हैं, स्वार्थी हैं और हृदयहीन है। इन लोगों के अंदर दिल है ही नहीं, वह तो केवल संसार के वैभव से अलग होकर अपनी मस्ती में मस्त होकर जीवन जीना चाहता है। भाई मैं संसार के लोगों की परवाह नहीं करता, चाहे संसार के लोग कुछ भी कहें, मैं तो अपनी मस्ती में मस्त होकर अपना जीवन जीता हूं। इसलिए कवि कहता है कि मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं। तो देखिए बेटा दो सिचुएशन है, जग जीवन का भार और कभी न जग का ध्यान किया करता हूं। तो जग जीवन का भार का मतलब है कि जो कवि है वो एक सामाजिक प्राणी है। हर तो व्यक्ति जो है समाज से जुड़ा हुआ है, उसके जीवन में सुख दुख आते रहते हैं। लेकिन कई बार जो दुनिया के लोग हैं वो क्या करते हैं कि जब आदमी दुखी होता है तो उसके दुखों को और भी बढ़ा देते हैं, और वह जो दुख है बढ़ने के कारण व्यक्ति और भी दुखी हो जाता है और उस दुख से अलग नहीं हो सकता। तो इसलिए कवि कहता है कि मैं पूरे संसार का भार लिए हुए घूमता हूँ, कि लोग जो मेरे ऊपर कमेंट करते हैं, व्यंग्य करते हैं, तो मैं वे सारे व्यंग्य लिए हुए घूमता हूँ, जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। और दूसरी तरफ वो कहता है कि मैं संसार के लोगों की परवाह नहीं करता, मैं इस संसार को अपना जीवन देकर नहीं जीता, क्योंकि यह संसार स्वार्थी है। मैं केवल संसार के वैभव से अलग, संसार की सुख सुविधाओं से अलग अपनी मस्ती में मस्त होकर जीता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, जहां दाना रहते हैं वहां नादान भी होते हैं, ऐसा क्यों कहा गया है? जहां पर दाना रहते हैं वहीं पर नादान भी होते हैं। इसका आशय है कि जहां अकलमंद या समझदार रहते हैं वहां ना समझ और मूर्ख भी होते हैं। दाना क्या है? समझदार। नादान क्या है? मूर्ख। तो ऐसा इसलिए कहा गया है कि जो यह संसार है यह रंगीन है, यहाँ पर हर प्रकार के जीव जंतु पदार्थ सब मिलते हैं। इस जो सृष्टि है इसमें बहुत सारे तत्वों का समावेश है, प्रकृति के भी बहुत सारे रूप हैं। इस जहां में, इस संसार में सुख दुख, नर नारी, सूक्ष्म स्थूल, अच्छा बुरा, मूर्ख विद्वान,
सभी का अनूठा संगम है। यानी कि यह इस संसार में हर तरह के व्यक्ति पाए जाते हैं। तो यहाँ सुख है तो दुख भी है, नर है तो नारी भी है, अच्छाई है तो बुराई भी है। इस प्रकार एक अच्छे या बुरे का एक के विपरीत दूसरे का अटूट संबंध है। अच्छाई का भी तो तभी पता चलेगा जब बुराई होगी कि हाँ यह अच्छाई है। तो इसलिए कहा गया है कि जहां पर बुद्धिमान रहते हैं वहीं पर नादान भी रहते हैं। जहां पर अकलमंद रहते हैं, समझदार रहते हैं, बुद्धिमान रहते हैं, वहीं पर नादान, नासमझ और मूर्ख भी रहते हैं, क्योंकि इस सृष्टि में बहुत सारे तत्वों का समावेश है। अब देखिए बेटा, सुख है, यदि दुख नहीं होगा तो हमें सुख का अनुभव कैसे होगा, हमें कैसे पता चलेगा कि ये सुख है। यदि सिचुएशन एक जैसी, यदि परिस्थितियां एक जैसी चलती रही, सुख ही सुख है, तो हमें पता ही नहीं, यदि दुख नहीं होगा तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि सुख क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं और कहाँ का नाता, पंक्ति में और शब्द की विशेषता बताइए। मैं और जग और कहाँ का नाता, तीन बार और का प्रयोग हुआ है। तो पहला और है मैं और, तो पंक्ति में और शब्द कवि और संसार के संबंधों के अलगाव का चित्रण करता है, जो पहला और है। यह कवि की प्रकृति प्रवृत्ति तथा संसार की प्रकृति और प्रवृत्ति के भेद का ज्ञान कराता है तथा संसार की संवेदनहीनता का चित्रण करवाता है। देखिए, पहले जो मैं और संसार, ठीक है, मैं और जग, तो पहला जो और है शब्द कवि और संसार के संबंधों के अलगाव का चित्रण करता है, और फिर जग, मैं और जग और कहाँ का नाता, तो तीसरा और है वो क्या है बेटा, वो संसार के संबंधों के बारे में, कि संसार के जो है लोगों से किस प्रकार के संबंध है वो बताता है। दूसरा और जो है संसार की प्रकृति के बारे में बताता है। मैं और जग और कहाँ का नाता, पंक्ति में और शब्द की विशेषता बताइए। तो और शब्द की क्या विशेषता है बेटा, और शब्द कवि और संसार के संबंधों का वर्णन करता है। मैं और जग, ठीक है, तो यहाँ संसार के संबंधों का वर्णन करता है, और प्रकृति और प्रवृत्ति तथा संसार की प्रकृति और प्रवृत्ति के भेद का भी बताता है। और कहाँ का नाता, कि मेरा संसार से क्या नाता है, ये प्रवृत्ति भी बताता है, प्रकृति भी बताता है, और संसार की संवेदनहीनता के का भी जो है चित्रण करता है। और कहाँ का नाता, कि मेरा इस संसार से कोई नाता नहीं है, मैं संवेदना, किसी प्रकार की संवेदना यहाँ के लोगों से नहीं रखता, संसार के लोगों से। नेक्स्ट है, शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है। शीतल वाणी में आग के होने का अभिप्राय यह है कि व्यक्ति अपनी वाणी की शीतलता में वियोग की आग लिए जीवन जी रहा है। वियोग क्या होता है बेटा, बिछुड़ना। कि मान लीजिए व्यक्ति बहुत शांत है, सालीन है, लेकिन क्या पता उसके अंदर जो है कितना दुख दबा हुआ है, अपनी प्रेमिका से अलगाव का या अपने परिवार से अलगाव का, वियोग का, तो क्या पता उसकी अंदर कितना दुख दबा हुआ हो सकता है। तो कवि के साथ भी ऐसा ही हुआ है, कवि जो है अपनी वाणी की शीतलता में वियोग की, अपने प्रेमिका से बिछड़ने की जो आग है उसको भी जीवन में लेकर जी रहा है। यहाँ आग से अभिप्राय है जो कवि की आंतरिक पीड़ा है। कवि जो है अपनी प्रिया से वियोग होने पर उस विरह वेदना को
अपने हृदय में दबाए हुए फिर रहा है कि उसके हृदय में जो अपनी प्रेमिका से बिछुड़ने का जो दर्द है उसको दबाए हुए कवि जो है कविता रच रहा है। अतः जहां उनकी संवेदनाओं में शीतलता का भाव है तो विराग और क्रोध का भाव भी निहित है, यानी कि उसके अंदर जो है वियोग भी है तड़प भी है। यही वियोग उसके हृदय को निरंतर चलाता जा रहा है, उसके हृदय में आग पैदा कर रहा है। तो शीतल वाणी में आग के होने से अभिप्राय है कि जो कवि सुंदर सुंदर कविताएं लिख रहा है वो बहुत जो है आपको शीतल नजर आ रहा है, उसके अंदर भी दुख दबा हुआ है अपनी प्रेमिका से बिछुड़ने का, फिर है वेदना का दुख उसके अंदर दबा हुआ है। बच्चे किस बात की आशा में नीलों से झांक रहे हैं। नील क्या होते हैं? घोंसले। तो चिड़िया के जो बच्चे हैं वो किस आशा में घोंसलों से झांक कर देख रहे हैं। बच्चे अपने माता पिता की आशा में नीलों से झांक रहे हैं कि हमारे माता पिता आएंगे और वो हमारे लिए दाना पानी लेकर आएंगे और हम जो है अपनी भूख शांत करेंगे। तो माँ बाप से बिछुड़कर बच्चे अपने अपने घोंसलों में यही आशा लिए हुए हैं कि माता पिता लौटकर कब आएंगे, और वो बार बार जो है नीड़ों से घोंसलों से झांक कर देख रहे हैं कब उनकी माँ उनको लाड प्यार करेगी, कब उनको भोजन करा के उनकी भूख शांत कराएगी। इस प्रकार बच्चे नीड़ों से ऐसी आशाएं लेकर झांक रहे होंगे। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से कविता की विशेषता का पता चलता है कि समय परिवर्तनशील है जो सतत चलायमान है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, देखिए जल्दी जल्दी शब्द बेटा दो बार प्रयोग हुआ है, तो जल्दी जल्दी की आवृत्ति से, आवृत्ति होता है बार बार प्रयोग, तो जल्दी जल्दी की आवृत्ति से किस विशेषता का पता चलता है। तो जल्दी जल्दी की आवृत्ति से कविता की विशेषता का पता चलता है कि जो समय है वो परिवर्तनशील है, समय बदलता जा रहा है और लगातार चलता जा रहा है, यह कभी भी नहीं रुकता और ना ही किसी की प्रतीक्षा करता है, या करता है? नहीं करता ना, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। और जीवन है वो भी क्षणभंगुर है, एक पानी के बुलबुले की तरह, अतः कब जीवन समाप्त हो जाए कोई पता नहीं है। समय अपनी गति से चलता रहता है लेकिन जो जीवन है वो क्षण भंगुर है, पता नहीं किस समय जो है समाप्त हो जाए। तो इसलिए मनुष्य को अपने लक्ष्य को अति शीघ्र बहुत जल्दी प्राप्त कर लेना चाहिए, जितना जल्दी हो सके हमें अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेना चाहिए, क्योंकि जो जीवन है वो क्षण भंगुर है, पता नहीं एक क्षण में क्या हो जाए। तो हमें अपने लक्ष्य को बहुत जल्दी जो है प्राप्त करना चाहिए, जितना पॉसिबल हो सके जितना जल्दी उतना। तो मनुष्य में यह विश्वास होना चाहिए कि वह कम से कम समय में अपनी मंजिल प्राप्त कर लेगा। हमारे अंदर ये फेथ होना चाहिए कि हमें जो है अपना लक्ष्य प्राप्त करने में बस थोड़ा ही समय लगेगा, हमारे अंदर ये विश्वास होना चाहिए। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी जल्दी जल्दी चलता है। तो यदि हम इसका भाव सौंदर्य देखें बेटा तो क्या कहना चाहता है, यहाँ अक्षण भंगुरता को ही बताया गया है ना जीवन की, कि जो दिन है वो बहुत जल्दी जल्दी, समय जो है बहुत जल्दी जल्दी व्यतीत हो रहा है। हो जाए न पथ में रात कहीं, कहीं रास्ते में रात ना हो जाए। तो इसलिए जो दिन का थका हारा पंथी
पंथी है, रास्ता तय करने वाला है, वह जल्दी जल्दी चल रहा है। वह सोच रहा है कि अब तो मेरी मंजिल नजदीक ही है, अब तो मेरा लक्ष्य नजदीक ही है, मैं उसे जल्दी ही प्राप्त कर लूंगा। यह सोच सोच कर वह दिन का थका हारा जो रास्ता तय करने वाला है वो जल्दी जल्दी चलता है और दिन जो है जल्दी जल्दी ढल रहा है। तो जल्दी जल्दी की जो पुनरावृत्ति हुई है उसके कारण कौन सा अलंकार है यहाँ पर? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। मंजिल, ये कौन सा शब्द है बेटा? उर्दू भाषा का शब्द है, उर्दू फारसी का कह सकते हैं आप। भाषा सर सहज है, आसानी से जो है समझ आ रही है। तो शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा एक बार। कवि जग जीवन को भार स्वरूप क्यों समझता है? तो कवि जग जीवन को भार इसलिए मानता है क्योंकि वे जीवन को प्रेम, मस्ती, आनंद और सौंदर्य से परिपूर्ण मानते हैं, जबकि संसार इनसे दूर कहीं कोरी कल्पनाओं में ही डूबा रहता है। संसार को प्रेम, मस्ती एवं आनंद से कोई मतलब नहीं है, वह तो ईर्ष्या द्वेष की भावनाओं में ही जकड़ा रहता है, इसलिए जो है संसार को भार कहा है। कवि कैसे जीवन की कामना करता है? जिसमें मस्ती हो, आनंद हो, सौंदर्य हो, जिसमें चारों तरफ सुंदरता हो, प्रेम और प्रेम रूपी मदिरा का मौसम हो, जहां वह केवल प्रेम रूपी मदिरा पीकर उसी में डूबकर आनंद विभोर हो जाए, ईर्षा द्वेष जैसे कुविचार न हो जहां पर, जिसमें यौवन की मस्ती करने वाला उन्माद हो। आत्म परिचय कविता में कवि संसार को क्या संदेश देना चाहता है? आत्म परिचय कविता श्री हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित है। इसमें कवि संसार को मस्ती का संदेश देना चाहता है, ऐसी मस्ती जिसको सुनकर यह संपूर्ण संसार मदमस्त होकर आनंद विभोर हो उठे, वह आनंदित होकर झूमने लगे और इसी मस्ती में सदैव लहराता रहे। आत्म परिचय कविता के माध्यम से स्पष्ट कीजिए कि कवि क्यों रोया होगा। कवि प्रेम और मस्ती की कोमल भावनाओं से ओतप्रोत है, ओतप्रोत में पूरा भरा हुआ है उसका मन। उसे अपने जीवन में किसी प्रिया से असीम प्रेम भाव हुआ, किंतु दुर्भाग्य से वह प्रेम पूर्ण नहीं हो सका, जिसके बाद कवि को अगाध विरह पीड़ा को सहन करना पड़ा। यानी कवि को उसकी प्रेमिका नहीं मिली और इस कारण जो कवि है उसको बहुत अधिक विरह जो है सहन करना पड़ा, और जो पीड़ा और उसके रुदन के माध्यम से जो है निकला, प्रस्फुटित हुआ, यही कारण है कि कवि रोया।